जुलूस निकालने के बाद निरस्त की परमिशन, पदाधिकारियों पर की एफआईआर। समाज बोला एफआईआर निरस्त नहीं की तो प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। कोलारस में अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन जयंती पर जुलूस निकालने पर शिवपुरी पुलिस ने समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें समाज ने नियम विरुद्ध बताते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए कोलारस अग्रवाल समाज के द्वारा रविवार को राज्यपाल के नाम तहसीलदार अखिलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। एफआईआर निरस्त न करने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अन्य जुलूसों पर क्यों एफआईआर नहीं की गई, इस पर समाज के लोगों का कहना है कि उन्होंने जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति ली और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद प्रशासन ने अचानक परमिशन निरस्त करते हुए समाज के पदाधिकारियों गौरव सिंघल, राकेश गर्ग और प्रवीण गोयल, पदम जैन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया। और जब दूसरे लोगों ने उसी दिन बिना अनुमति के जुलूस निकाल कर नियम तोड़े तो बावजूद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। समाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में एफआईआर निरस्त न करने पर प्रदेश भर में आंदोलन की बात कही गई है। लोग इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। आगे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इतने जुलूस वगैरह निकले आज तक तो कार्रवाई नहीं की गई। और कुछ भी कर सकते हैं या तो आगामी जो जुलूस निकले उस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक नहीं हुई किसी का, हमारे अग्रवाल समाज पे की गई कार्रवाई। राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुरागी अधिकारी महोदय परगना कोला जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश विषय जिला शिवपुरी के